हाय गाइस, वेलकम टू एमपी एग्जाम्स इन 10। मैं वैशाली राय आपका एमपी एग्जाम्स इन 10 के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये भी एक अनअकैडमी का ही चैनल है, बट इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जब भी आपको किसी टॉपिक का क्विक रिवीजन करना हो या आपके पास बहुत कम टाइम हो, आप इस चैनल पे आके किसी भी टॉपिक को मात्र 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। कहते हैं कि इस चैनल पे हमारे जो भी वीडियोस होंगे उनकी लेंथ होगी मात्र 10 मिनट। आगे चलते हैं, अपने बारे में बताओ। तो मेरा नाम वैशाली राय है, मैंने बीपीएड किया है बीएसएस कॉलेज से। 5 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैंने क्लैट, कैट और एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। मैंने सीएससी मेंस लिखा था 2016 और 17 में, वही मैंने एमपीपीएससी मेंस भी लिखा है 2017 और 18 में। आगे चलते हैं, अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको डेली लाइव क्लासेस देता है, जहां आप टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस देता है जहां आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। हमारे स्ट्रक्चर कोर्स होते हैं जो आपके सिलेबस के हिसाब से ही फ्रेम करे गए होते हैं, और साथ ही अनलिमिटेड एसेस। आप किसी भी वीडियो को, किसी भी लेक्चर को डाउनलोड करके ऑफलाइन अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। आपको अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? आपको अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ई लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहां फिर आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा जो कि मार्केट प्राइस के हिसाब से बहुत ही कम रेट्स में अवेलेबल है। कहते हैं हम एमपीपीसी की तैयारी करते हैं तो हमें आराम से 70 से 80 हजार रुपए साल का पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वही चीज मात्र 7 हजार रुपए की। और अगर वहां आप मेरा कोड लगा देते हैं जो कि है वैशाली VAISHALI, तो वो आपको पड़ेगा मात्र 6,300 रुपए में। वही हम 2 साल की बात है जहाँ हमें ऑलमोस्ट 1,80,000 से 90,000 रुपए देना पड़ते हैं, मतलब 1,80,000 या 1,90,000 रुपए, तो वही आपको ये चीज देता है मात्र 8,400 रुपए में। और वही मैंने कहा आप मेरा कोड लगाते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, उसकी कीमत हो जाएगी मात्र 7,560 रुपए। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा जो टॉपिक है वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसमें हम देखेंगे कैसे बनी थी। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो डायरेक्टली एस्टेब्लिश की गई है आर्टिकल 338 के तहत संविधान में। अब इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? ओरिजिनली जो आर्टिकल 338 था संविधान का, वो कहता है कि एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो कि सारे जो भी मैटर हो उनके संवैधानिक जो उनके सेफगार्ड दिए गए उन्हें, उनसे उनकी वर्किंग पे वो कैसे काम कर रहे हैं, और वो अपनी रिपोर्ट जो होगा वो हमारे राष्ट्रपति को सौंपेगा। तो ये एक वन सिंगल मेंबर बॉडी थी, क्या लिखा है आ स्पेशल ऑफिसर, तो ये एक सिंगल मेंबर बॉडी है। साथ ही 1978 में फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन लाती है कि एक नॉन स्टेट्यूटरी, मतलब एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हम एक बॉडी बनाएंगे, क्योंकि वो एक सिंगल बॉडी है तो हम एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाएंगे एससी और एसटी के लिए, और साथ ही साथ जो एक सिंगल मेंबर बॉडी है जो ऑफिस ऑफ कमिश्नर होगा एससी एसटी के लिए, वो भी साथ साथ में चलेगा। बट 1987 में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो एक और रेजोल्यूशन लाती है जिसमें उसी के फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती है, मतलब बदल देती है, और नेशनल जो फंक्शन थे उस कमीशन को उसका नाम रख देती है नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। फिर क्या होता है, जब 65वां संविधान संशोधन आता है 1990 में, तो फिर बोलते हैं कि एक जरूरत है हमें किस चीज की, हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी की, इसकी जगह पे एक सिंगल ऑफिसर फॉर एससी एंड एसटी की जगह। तो फिर जो हमारी नेशनल कमीशन ऑफ एससी एंड एसटी बनाई थी उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है एक स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एंड एसटी की जगह पर। ये कब हुआ, जो रिसोल्यूशन 1987 का आया था उसमें। फिर क्या होता है, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, तो जो आई थी 2003 में, तो उसमें क्या किया, जो एक कंबाइंड एससी और एसटी के लिए जो एक ही कमीशन थी उन्हें दो बॉडीज में अलग अलग कर दिया गया। तो एक बन गई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल का जो कि आर्टिकल 338 में आती है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो कि आर्टिकल 338 आ में आती है। फिर क्या हुआ, नेशनल कमीशन फॉर एससी एग्जिस्टेंस में आया 2004 में, जिसमें उसका एक चेयरमैन होगा, ठीक है, एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और 3 मेंबर्स होंगे, तो मतलब टोटल 5 मेंबर बॉडी से बन जाती है, और प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करेगा, और इनके जो भी टर्म होंगे ऑफिस के सर्विसेज की वो सब प्रेसिडेंट तय करेगा। फिर फंक्शंस क्या हुए इनके, कि ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं कोई भी संवैधानिक मैटर होता है, कोई भी लीगल सेफगार्ड होता है,
एससी और उनकी वर्किंग से रिलेटेड, उनके काम से रिलेटेड इंक्वायर कर सकते हैं किसी भी कंप्लेन में। अगर कहीं उन्हें कंप्लेन मिलती है कि जो हमारे एससी है उन्हें उनके अधिकार या उनकी सुरक्षा से डिप्राइव या उनका हनन किया गया हो, वहां वो ये एडवाइस कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्लानिंग प्रोसेस में जहाँ एससी की सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट की बात हो रही हो, चाहे वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो। ये प्रेजेंट कर सकता है, ये प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को एनुअली एक रिपोर्ट जब उसे ठीक लगता है। ये रिकमेंडेशन दे सकता है कि यूनियन या स्टेट को कि आप कैसा करें ताकि जो सेफगार्ड हमारे संविधान में दिए उन्हें सही से इम्प्लीमेंट किया जा सके। उसके बाद ये अपने जो फंक्शन होता है, जो रिलेशन होता है उसके प्रोटेक्शन में, वेलफेयर में, डेवलपमेंट में, एडवांसमेंट में, वो प्रेसिडेंट जो होता है हमारा, जो राष्ट्रपति होता है वो बताता है या स्पेसिफाई करता है। वही जो रिपोर्ट होती है वो प्रेजेंट होती है एनुअल रिपोर्ट किसी प्रेसिडेंट को, और वो सबमिट करते हैं रिपोर्ट जब उन्हें ठीक लगता है, जैसे मैंने बोला जब उन्हें ठीक लगता है। जो प्रेसिडेंट होता है ये सारी जो रिपोर्ट जो नेशनल कमीशन फॉर एससी उन्हें देता है वो हमारे संसद के सामने रखता है, और साथ में एक मेमोरेंडम भी देता है जिसमें वो एक्सप्लेन करता है कि ये रिकमेंडेशन जो उन्हें दी थी उनपे क्या क्या एक्शन लिए गए हैं, और अगर उनपे एक्शन नहीं लिए गए हैं तो क्या कारण है उनके एक्शन ना लेने का। ठीक है, तो जब ये प्रेसिडेंट वही रिपोर्ट अगर किसी राज्य के या किसी राज्य के क्षेत्र में आती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, तो प्रेसिडेंट उसी रिपोर्ट को किसको देता है, स्टेट गवर्नर को देता है, और फिर वो स्टेट गवर्नर उस रिपोर्ट को लगता है हमारी विधानसभा में। वो भी सेम होता है कि उसमें होगा कि क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, रिकमेंडेशन है, और हमने अगर एक्शन नहीं लिए हैं तो क्यों नहीं लिए, ये हमें रीजन देना होता है। तब जो कमीशन के पावर होते हैं वो कहाँ से आते हैं कि उनका जो प्रोसीजर होता है वो उनका खुद होता है। साथ में ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, किसी भी मैटर पे इंक्वायरी कर सकते हैं, और इनके पास एक सिविल कोर्ट के सारे पावर्स होते हैं। ठीक है, किन किन मैटर में किसी को भी बुला सकते हैं, सम्मन कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी, चाहे वो किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में हो, और उनको ओथ लेके उनकी एग्जामिन कर सकते हैं उन्हें। साथ ही डिस्कवरी कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उसे निकलवा सकते हैं, एविडेंस या एफिडेविट को रिसीव कर सकते हैं, पब्लिक रिपोर्ट किसी भी कोर्ट या पब्लिक ऑफिस से मांग सकते हैं। साथ ही भाई मैंने बोला सम्मन कर सकते हैं, और विटनेस को एग्जामिन तो कर सकते हैं और उससे उसके डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, और बाकी जो फंक्शन इन्हें प्रेसिडेंट दे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है या स्टेट गवर्नमेंट होता है वो कंसल्ट करता है सारे मेजर पॉलिसी मैटर जो भी एससी को इफेक्ट करते हैं किन से, नेशनल कमीशन को, शेड्यूल कास्ट से, और फिर जो भी उसके फंक्शन होता है वो डिस्चार्ज करता है, वो सिमिलर फंक्शन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी करे जाते हैं इसी के द्वारा। जो कमीशन है वो सारे जो इन्वेस्टिगेशन के मैटर होते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं, एंग्लो इंडियन के रिलेटेड भी, जो एंग्लो इंडियन कमेटी है उनसे भी रिलेटेड भी, तो वो रिपोर्ट किसको देता है उसकी वर्किंग की, राष्ट्रपति को। तो 2008 तक जो कमीशन था वो रिक्वायर्ड था कि वो सारे जो डिस्चार्ज करता है फंक्शन वो किसके रिगार्डिंग हो, बैकवर्ड क्लास के रिगार्डिंग भी हो। लेकिन 102 भी जो कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संशोधन आया था जो 2018 में आया था, उससे एक नई कमीशन बनी है जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। तो कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर जरूर बताइएगा, आपको कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आके पूछेगा, या आप मुझसे टेलीग्राम पे भी अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं जो तो कि है @वैशाली और 0102। सब्सक्रिप्शन से रिकॉर्डिंग कोई इश्यू है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, 7581892200, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं WaishaliRai700@gmail.com। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ये चैनल बहुत बेनिफिशियल आप सभी के लिए, और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेरा कोड लगाते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।